5000 साल पहले मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष एकादशी के पवित्र दिन पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता की ज्ञान गंगा को समग्र मनुष्य जाति के लिए प्रवाहित किया। मनुष्य के जीवन में ज्ञान यानी गुरु और गंगा यानी माँ, जो मनुष्य की जीवन डोर तथा संस्कारों का आधार है, और ज्ञान गंगा यानी गुरु माँ। माँ की तरह संस्कार सिंचन कर और गुरु की तरह ज्ञान का दीपक जलाकर परम सत्य के पास मनुष्य की भेंट कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जो गीत गाया, उसे हम गीता के नाम से जानते हैं। गीता यानी माँ, गुरु, मार्गदर्शक और मित्र। गीता यानी सिर्फ 700 श्लोकों में समाया वेदों और उपनिषदों के ज्ञान का रससार। पर कैसे कोई एक ही किताब किसी भी व्यक्ति की उम्र, व्यवसाय, अवस्था, स्वभाव या समय काल पर आधारित न होकर सबका ही मार्गदर्शन करती है? गीता मनुष्य के जीवन के हर एक पड़ाव के लिए है। गीता के अनुसार बाल्यावस्था, ब्रह्मचर्याश्रम यानी निश्चिंत होकर हमेशा नया सीखने की तत्परता रखना, युवावस्था, गृहस्थाश्रम यानी जीवन उन्नति के लिए अथाग परिश्रम और साहस करना, और साथ ही इस समय का सदुपयोग कर ईश्वरीय परमार्थ कार्य के लिए मानसिकता विकसित करना, वृद्धावस्था वानप्रस्थाश्रम यानी भौतिक सुखों का त्याग करने का प्रयत्न कर जीवन में प्राप्त हुए अनुभव के द्वारा परब्रह्म के नजदीक जाने का प्रयास करना, और संन्यास आश्रम में सिर्फ बाहरी दिखावट और वेशभूषा के बदले व्यक्ति को मन से सन्यासी बनना यानी मिथ्या संसार का त्याग कर ब्रह्म को समर्पित होना। समाज के मूलभूत चार कर्म आधारित वर्ण है, जिसके बिना किसी भी समाज का संचालन वास्तविक नहीं। ब्राह्मण ज्ञान और संस्कृति का वाहक होने के कारण उसको धन के मोह का त्याग कर तपस्या से ज्ञान को सब में बांटना और समाज को संस्कृति के विकास की ओर ले जाने की प्रेरणा गीता देती है। क्षत्रिय समाज का रक्षक होने के नाते वीरता, शौर्य, धैर्य, कर्तव्य परायणता जैसे गुण विकसित कर अनुरूप आचरण करने की सीख देती है। वैश्य समाज का चालक होता है, उसको सिर्फ व्यवसाय और धन ही नहीं परंतु पर्यावरण, पशु पक्षी का जिम्मेदारी पूर्वक संरक्षण और संवर्धन करना सिखाती है। शूद्र समाज का सेवक होने के नाते उसमें समाज के लिए सेवा भाव उत्पन्न करने की प्रेरणा देती है। ऐसे ही गीता समाज के हर वर्ग वर्ण के लोगों को मार्गदर्शन देती आई है। स्त्रियों की रक्षा तथा उनके सम्मान की जिम्मेदारी समाज के हर एक व्यक्ति की है, और स्त्रियों को भी धैर्यशील, साहसी तथा सशक्त होने की प्रेरणा देती है, जिससे वह भविष्य की पीढ़ी के निर्माण की जिम्मेदारी का सुयोग्य तरीके से निर्वाह कर सके। गीता के अनुसार ज्ञानी के लिए ज्ञान योग यानी ज्ञान द्वारा तत्वज्ञान ब्रह्म की प्राप्ति, कर्मयोगी के लिए कर्मयोग यानी कर्म फल की इच्छा त्याग कर कर्मयोगी बनना, और भक्तों के लिए भक्ति योग यानी भगवान की भक्ति का रहस्य समझ ईश्वर को जीवन समर्पित कर उन्हें पाने का अंतिम ध्येय प्राप्त करना। पर सिर्फ ज्ञानी, कर्मयोगी और भक्त ही नहीं, परंतु कोई भी व्यक्ति इस पवित्र ज्ञान गंगा में श्रद्धा पूर्वक स्नान कर जीवन विकास साध सकता है। गीता यानी निराशावादी को आशा की ओर, पापी को ज्ञान की ओर, राजा सत्ता के अधिकारी को कर्तव्य की ओर और सामान्य मनुष्य को ध्येय की ओर ले जाने वाला एकमात्र ग्रंथ, जो 5000 साल पुराना होने के बावजूद आज के समय में भी हर एक व्यक्ति के लिए उतना ही प्रासंगिक और आवश्यक है। गीता सिर्फ हिंदू ग्रंथ ही नहीं परंतु मनुष्य मात्र का ग्रंथ है, जो जात पात, सत्ता, धर्म, उम्र, अवस्था, समय काल पर आधारित नहीं। सिर्फ भारतीय ही नहीं परंतु कई विदेशी लोगों ने भी अपने जीवन उत्कर्ष में गीता जी के योगदान को स्वीकार किया है। हमारे देश के इस पवित्र ज्ञान स्रोत पर विदेशी लोगों की स्वीकृति की मोहर लगना जरूरी नहीं। सही अर्थ में गीता जयंती मनाना तब कहलाएगा जब हम
अपना मनुष्य जीवन गीता जी के ज्ञान के रंगों से रंग देंगे और उसके संदेश को आदेश मानकर अर्जुन की तरह समर्पित होकर उसका वहन करने का संकल्प करेंगे। चलिए इस बार हमारे भारतवर्ष के इस ज्ञान स्रोत श्रीमद् भगवद् गीता के विचारों को घर घर तक पहुंचाएं और गीता जी के पुस्तक को भेंट स्वरूप देकर हर घर के हर व्यक्ति को इस अमूल्य पवित्र ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर पवित्र होने का अनुभव प्राप्त कराने का प्रयास करें।